और नाजरीन गुज़श्ता रोज से एक असिस्टेंट कमिश्नर साहब है वो भी टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, स्टाइलिस्ट हैं, कूलेस्ट नजर आने वाले असिस्टेंट कमिश्नर हैं नॉर्थ नाजामाबाद के, इन दिनों सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। कराची का जिला वस्ती है जहां से ये ताल्लुक रखते हैं। हाजिम भंगवार अक्सर अपने इलाके में सिवाजी कामों में भी पेश होते हैं और इनके ट्रेंड्स की वजह कारकर्दगी नहीं बल्कि इनके कपड़े हैं। ओह माय गॉड, इनके कपड़े हैं, इनका स्टाइल है, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। आप देखें, हमारे नुमाइंदे अली रजा इस वक्त इनके साथ मौजूद हैं। आए आपकी मुलाकात करवाते हैं और देखते हैं ये जो कूलेस्ट हमारे असिस्टेंट कमिश्नर है क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त यंग ब्यूरोक्रेट और असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाजामाबाद हाजिम के साथ मौजूद हूँ। सोशल मीडिया पे इस वक्त इनकी जो तस्वीर हैं वो बड़ी वायरल है मॉडर्न लुक के हवाले से, और हमें तो ये भी मालूम पड़ा है कि कभी जानवरों को रोक के आप लोग अपने घर ले जाते हैं, कभी बच्चों के साथ जो हैं वो चीज़ें दिला रहे होते हैं। अमूमी तौर पर हमने नहीं देखा है असिस्टेंट कमिश्नर, क्या है फैमिली बैकग्राउंड एजुकेशन वाइज और ये क्या सिलसिला है, कहाँ उधम मचा रहे हैं सर? अस्सलामुअलैकुम। बैकग्राउंड एजुकेशन वाइज इंग्लैंड से है, मार्केटिंग में बैचलर्स या LLB है, और मॉडर्न तो यहाँ मुझसे ज़्यादा हर कोई और मॉडर्न है। मैं तो सब कुछ नहीं किया, मैं तो नॉर्मल सलवार कमीज़ में से, कोई मॉडर्न मेरी तरफ से तो कुछ नहीं लग रहा है। और दूसरी बात, अगर मॉडर्न हूँ भी, कौन नहीं होना चाहता है मॉडर्न, कौन या एम नहीं कर रहा है कि मॉडर्न होए। एंड लगी हुई बात कुत्तों की या बच्चों की, वो मेरा एक नेचुरल फ्लो है। मुझे जानवर पसंद हैं, मुझे जानवर पालना पसंद है, तो देख लेता हूँ कुछ हैं पपीज़ तो घर ले जाता हूँ। बच्चे मुझे पसंद हैं, आप देखते हैं रोड पे काफ़ी बच्चे हैं या कोई प्रॉब्लम में या ट्रबल में है, या आप स्कूल में जाते हैं या क्या, तो उनको थोड़ा प्यार दिखाने में या थोड़ा अफेक्शन दिखाने में इसमें कोई बुरी बात बिल्कुल नहीं है, और मुझे लगा हुआ है इन बच्चों से और ओल्ड पीपल से, ओल्ड एज से भी। अच्छा, ये भी बताइएगा, एक फ़ंड भी होता है, क्या उससे मदद की जाती है, या ज़ाती फ़ंड और साथ साथ इंतज़ामी मामला, क्योंकि सेंट्रल में बड़े मसले मसाइल हैं, इंक्रोचमेंट है, उसको कैसा देखते हैं लोग, ये भी जानना चाहते हैं कि मैं पर्सनली ऑपरेशन कैसा देखता हूँ। तो मैं ऑनेस्टली दिन और रात, डे और नाइट मेरा काम होता है, और लकली अल्लाह का शुक्र है मेरे सीनियर्स और जैसे मेरे DC साहब हैं वो सब गुड मोटिवेट करते हैं कि यही करो, सही करो, हर चीज़ करो। पब्लिक को तंग करने का कभी मकसद नहीं होता है, आप ऑब्वियसली ओवरऑल पब्लिक का सोचते हो, अ बिगर पिक्चर, कि अगर ट्रैफिक थोड़ा बेहतर कंट्रोल हो जाए, स्मूथली हो जाए, ओवरऑल पब्लिक रिलैक्स हो जाए, तो उस तरीके में मैं इंक्रोचमेंट को देखता हूँ। कभी ये नहीं होता किसी को पनिश कर रहा हूँ, किसी को तंग कर रहा हूँ, नेवर, इट्स ऑलवेज फॉर द बिगर पिक्चर फॉर द पब्लिक, एंड आई वॉन्ट द पब्लिक टू एंड द ट्रैफिक टू रन मोर स्मूथली, वो मेरा कंसर्न होता है। उसके अलावा प्राइस चेकिंग्स हैं, वो भी हमें करनी पड़ती हैं, ऑब्वियसली एज एन असिस्टेंट कमिश्नर आप प्राइस को मेंटेन करना चाहते हो, वो भी पब्लिक, एवरीथिंग इज़ फॉर द पब्लिक, तो ऑब्वियसली कुछ मेरी ड्यूटी में आती हैं जैसे ये करना वो करना, काफ़ी चीज़ें मेरी ड्यूटी में नहीं आती हैं, वो पर्सनल होती हैं, जैसे जानवरों को घर ले जाना या एक्स्ट्रा विजिट करना, ओल्ड एज होम विजिट करना, या आप किडनी हॉस्पिटल जाएँ, कुछ आधा घंटा कुछ यू नो और लोगों के साथ बैठे उनके साथ बात कर लें, वही काफ़ी होता है उनके लिए। ये फंड्स जो है वो सरकारी होते हैं इसमें? नहीं, मुझे नहीं पता अगर कोई और किसके पास क्या सरकारी फंड आते हैं, ये मेरी पर्सनल तरफ से जाता है, हमें मुझे कोई पर्टिकुलर सरकारी फंड नहीं मिलता है, ये मेरी अपनी तरफ से जाता है, बिकॉज ये मैं कर रहा हूँ, मैं तो किसी की नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे दें फिर मैं करूँगा, ये तो मेरा नेचुरल एक अंदाज है जो मैं चल रहा हूँ, फील होता है, नीड है, दैट्स इट। जी बिल्कुल, इन्होंने का यही कहना है कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं लोगों की खिदमत करने के लिए, तहम उन्होंने अपना वर्जन भी दिया कि सोशल मीडिया पर लोग रखता हूँ और सभी मॉडर्न हैं, और साथ साथ इंतजामी हवाले से भी बात की कि हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे उनके साथ उन्होंने कहा कि ये खिदमत कर रहे हैं, सर अंजाम दे रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गाना भी गाते हैं, कपड़े भी अच्छे पहनते हैं। खूने ना हक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है, खत्म हो जाएगी ये तमाशा गरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह, ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क्यामत करेगा फलक पर बपा, गम की सलमनाक घड़ी में बोल सान है पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है।